जान मुठी च लैके बैठे विद्यार्थी क्लासरूम दे विच पाके बैठे हेलमेट आखिरकार किस चीज का है खतरा क्लास दे विच हेलमेट पाके बैठे एक कॉलेज दे विद्यार्थी ने जिन्हां दी जान नू खतरा है क्योंकि किसे वेले भी क्लास दे विच वड्डा हादसा वापर सकदा ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਲਮਟ ਪਾ ਕੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 65 ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਦੋ ਵਾਰ ਇੱਥੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਆਏ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਾਧਰੇ ਤੇ ਛੱਤਾਂ ਡਿੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਮਟ ਪਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਝਾਰਖੰਡ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਹੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਹਣਗਿਰੀ ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ ਦੀਆਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ 65 ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦਾ ਨਰਕ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹਾਲਤ ਖਸਤਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈਲਮਟ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਆਉਣ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲਜ ਦੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਥੇ ਡਰ ਦੇ ਸਾਏ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਚਮਕਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਛੱਤ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਛੱਜੇ ਗਿਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵਾਧਰੇ ਗਿਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ 65 ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਹਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਜਬੂਰਨ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈਲਮਟ ਪਾ ਕੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨੇ लीजिए पिछले शनिवार की घटना है जो कि हम लोग क्लास हम लोगों का रूम नंबर 37 में पॉलिटिकल साइंस का क्लास होता है तो हम लोग सभी स्टूडेंट आए हुए थे संयोग बस हम लोग आगे बैठे हुए थे उस दिन हम लोगों के समक्ष का घटना है जो पीछे में बहुत जोर का मलबा गिरा और इतना जोरदार आवाज थी जो बगल से मैडम लोग सर लोग भी आ गए और गरिमन यही रही जो हम लोग सब बच गए फिर उसके बाद से उस दिन से हम लोगों को इतना डर समा गया जो स्टूडेंट की भी संख्या कम हो गई है और अभी भी हम लोग अपना सेफ्टी पर्पस के लिए रेगुलर होकर हम लोग हेलमेट पहन के क्लास आ रहे हैं और आगे हम राज्य सरकार और अपने कॉलेज प्रशासन से यही मांग करेंगे कि जल्द से जल्द भवन का निर्माण हो ताकि क्योंकि 11,000 स्टूडेंट की जिंदगी का सवाल है। हेलमेट पहन के क्लास हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि छत बार बार गिरी जा रहा है ये क्लास अभी 8 रूम हो चुका है जिसपे ऐसा गिरा है छत इसलिए डर लग रहा है इसलिए हम क्लास मैं हेलमेट पहन के क्लास कर रहे हैं और हम लोग से यही आग्रह है कि छत नया बने। इससे पहले कुछ घटना हुई आप लोगों ने? नहीं घटना नहीं हुई है बट डर है कि घटना हो ना जाए इसीलिए मैं हाँ इसीलिए मैं चार हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का छत नया वर्कर्स कॉलेज के छत नया बने। ये सत्य है कि महाविद्यालय की स्थिति जर्जर है लगभग हर महीना 2-4 बार इस तरह भयंकर स्थिति को सामना करना पड़ता है कभी छज्जा गिर जाता है कभी छत गिरता है और अधिकांश भवन जर्जर हो चुका है। इस विपद संकुल परिस्थिति में बैठकर विद्यार्थी हो शिक्षक हो या कर्मचारी या कोई भी अभिभावक बाहर से आते हैं कुछ काम करना पठन पाठन करना निश्चित रूप से एक रिस्कफुल जॉब लगता है और हम लोग काफ़ी प्रयास किए हैं उच्च अधिकारियों को इसकी सूचना देने की अभी तक इसी स्थिति में हम लोग पढ़ा रहे हैं और ये बच्चे हेलमेट पहनकर क्लास कर रहा ये तो मेरे नज़र में आया है मैं उस दिन नहीं था तो लेकिन ये गलत है हेलमेट पहनकर इस तरह कोई क्लास करता है तो उनको विरोध किया जाएगा। हम आज नोटिस जारी कर रहा हूँ कि कोई विद्यार्थी इस तरह नहीं करे क्या कि जो जर्जर भवन को हम लोग लॉक कर दिए हैं उस तरह रूम में क्लास नहीं हो रहा है।